हेलो फ्रेंड्स जीएसटी में एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं और सभी अपडेट्स हम अपने चैनल पर आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं तो आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपका अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है तो आज का जो हमारा अपडेट है वो है हमारी इंस्ट्रक्शनस को लेकर के जो कि ईशू की गई है ट्वेंटी ऑफ अगस्त को तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं बेसिकली ये गाइडलाइंस है फॉर कंडक्ट ऑफ पर्सनल हियरिंग इन वर्चुअल मोड अंडर जीएसटी तो जीएसटी के अंदर भी अब वर्चुअल हियरिंग को मैंडेटरी किया गया है किस तरीके से ये काम करेंगी सभी को जानेंगे हम वीडियो के अंदर तो फर्स्ट टू थ्री पैराग्राफ्स में दोस्तों यही बताया गया है कि पहले ये कस्टम एक्ट सेंट्रल एक्साइज और फाइनेंस एक्ट के अंदर लाई गई थी जैसे उनके आउटकम्स आए और जो फीडबैक रिसीव हुई कि इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम एंड ट्रैवल सेव हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और साथ ही साथ जो ऑर्डर है वो स्पीडली पास हो रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इसे जी के अंदर भी लाया जा रहा है तो फर्स्ट टू थ्री पैराग्राफ्स में यही बताया गया है इसके बाद बताया गया है कि गाइडलाइंस बताई गई हैं किस तरीके से जो है ये Uh, काम करेगी तो वो गाइडलाइंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ वर्चुअल मोड ऑफ पर्सनल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज आर एज अंडर इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर अपीलिएट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द अथॉरिटी शेल मैंडेटरली इंडिकेट दैट पर्सनल हियरिंग वुड टेक प्लेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ये किया जाएगा फॉर दिस परपज ही एंड शी शेल ऑल्सो इंडिकेट द ई मेल एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंट तो ई मेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे द डेट एंड टाइम ऑफ हियरिंग एलोंग विद द लिंक फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस शेल बी इंफॉर्म टू द अपीलियंट एंड रिस्पोंडेंट और देयर अथोराइज रिप्रेजेंट एंड कंसर्न कमिश्नर रिप्रेजेंटिंग रिवेन्यू थ्रू द ऑफिशियल ई मेल तो आपको ऑफिशियल ई मेल के थ्रू उसका लिंक भेज दिया जाएगा उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिसमें डिटेल्स होंगी ऑफिसर इंचार्ज Who would provide assistance to the parity? एंड द लिंक शुड नॉट बी शेयर विद एनी अदर पर्सन विदाउट दी अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड अपीलट अथॉरिटी तो बेसिकली आपको जो है लिंक भेज दिया जाएगा ई मेल आई डी पर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिसमें की डिटेल्स होंगी ऑफिस इंचार्ज की और वो लिंक आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है विदाउट दी अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड अपीलट अथॉरिटी उसके बाद इन्होंने कहा है द एस एस सी और जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि वर्चुअल हियरिंग के समय मौजूद होगा शुड फाइल हिज वकालतनामा और ऑथोराइजेशन लेटर उसको जो है फ़ाइल करना है साथ ही एक कॉपी को, ऑफ़ फोटो आईडी कार्ड एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि आपको स्कैन करके जो है मेल करनी है ऑल द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस शुड भी प्रॉपरली ड्रेस्ड और जो डेकोरम है आपको मीटिंग का वो मेनटेन करके रखना होगा वर्चुअल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस शेल बी हेल्प फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एडजुडिकेटिंग अपीलेंट अथॉरिटी और एनी ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी अगर आपकी कोई जो ये होगी वर्चुअल हियरिंग वो आपके uh, अपीलेट अथॉरिटीज़ के ऑफिस से होगी या फिर कोई भी अगर सेटअप किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तो वहाँ से द वर्चुअल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड थ्रू अवेलेबल एप्लीकेशंस जो हैं उनके थ्रू जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू की जाएगी आपको वो एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करनी है और ज्वाइन करनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो भी टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है नेक्स्ट इन्होंने बताया है इन केस वेयर द अपीलियंट एंड रिस्पोंडेंट विशेज टू पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल हियरिंग प्रोसीडिंग अलोंग विद यर एडवोकेट दे शुड डू सो अंडर प्रॉपर इंटीमेशन टू द एडजुडिकेटिंग एंड अपीलियट अथॉरिटी अगर आप अपने एडवोकेट के साथ उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहले उसकी जो है इंटीमेशन देनी होगी एडजुडिकेटिंग या फिर अपीलेट अथॉरिटी को दे मे पार्टिसिपेट इन वर्चुअल हियरिंग अलोंग विद यर एडवोकेट और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और ज्वाइन फ्रॉम देयर ओन ऑफिस तो वो अपने ऑफिस से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं तो so, आपको मेन करना क्या है इंटीमेशन देनी है द सबमिशन मेड बाय द अपीलियट और देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वुड बी रिड्यूज इन राइटिंग जो भी सबमिशन होगी सब कुछ राइटिंग में होगा एंड द स्टेटमेंट ऑफ द सेम विल बी प्रिपेयर और एक उसकी पूरी स्टेटमेंट बनेगी विच शैल बी नोन एज रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हियरिंग अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और पर्सनल हीयरिंग इन पी डी एफ फॉर्मेट विल बी सेंड टू द अपीलियट थ्रू द ई मेल प्रोवाइडेड बाई अपीलिएट रिस्पोंडेंट या अथोराइज अप्रोटि रिप्रेजेंटेटिव विद इन वन डे ऑफ सच हियरिंग और वो आपको जो है पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट बनेगी रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हियरिंग वो आपको ई मेल के थ्रू उसकी जो पी डी एफ़ है आपको भेजी जाएगी विद इन द वन डे ऑफ हियरिंग आपको वो दे दी जाएगी

और सेंड बैक करना है उसे एडजुडिकेटिंग और अपीलेट अथॉरिटी को विद इन थ्री डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ई तो जो रिसीव हुई है आपको ई उसके तीन दिन के अंदर अंदर आपने अगर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है आप वो कर सकते हैं उसको साइन करना है और स्कैन करके जो है उसको भेजना है और एल्स इट विल प्रज्यूम दैट दे एग्री विद द कंटेंट ऑफ फीमेल रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हियरिंग अगर तीन दिन में आप नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है उन सभी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं इट विल बी प्रूम नो मोडिफिकेशन इन ई मेल रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हियरिंग विल बी एंटरटेन आफ्टर थ्री डेज ऑफ रिसिप्ट बाई अपीलेंट एंड देयर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव तो तीन दिन के बाद अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ई मेल बाय द अपीलेंट एंड एडूडिकेटिंग अथॉरिटी विल नॉट बी काउंटेड फॉर दिस Purpose. जिस दिन आपको ईमेल रिसीव हुई है वो दिन काउंट नहीं किया जाएगा तो जो तीन दिन काउंट होंगे उनमें से वो दिन काउंट नहीं होगा जिस दिन आपको मेल रिसीव हुई है द रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हियरिंग सबमिटेड इन दिस मैन शड डीम टू बी अ डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेलिवेंट स्टैच्यू रीड अंडर सेक्शन फोर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड इफ द एससी और देयर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रेफर टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग

सकते हैं अथॉरिटीज को आफ्टर वर्चुअल हियरिंग तो आप जो है सबमिट कर सकते हैं अगर आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना चाहते हैं एनी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट साइड कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वर्चुअल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिस द कमिश्नरेट कंसर्न शैल इन्फॉर्म द डिटेल्स इन एडवांस रिगार्डिंग सच पार्टिसिपेशन ऑन रिसिप्टन एज मैंशनड इन पॉइंट टू अबव तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा प्रोसेस रहेगा किस तरीके से आपको जो है उसकी स्टेटमेंट मेल होगी कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं कितना टाइम है आपके पास चेंजेस करने का पूरा प्रोसीज़र यहाँ पर बताया गया है